हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और अगर सब ठीक है तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो भाई साहब, मैं मार्च 31st आखिरी डेट थी जो मैं अगर जिम गया था। तो अब लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, ये कोविड भी समहाउ कंट्रोल में आ गया। तो आज फिर मैंने सोचा कि यार फिर से रिजॉइन करें, और आज मेरा फर्स्ट डे ऑफ जिम है। रेडी टू गो टू जिम, सो सी यू एट द जिम। नाज़रीन, मैं जिम जब जाता हूँ तो मोस्टली जो है कि पैदल ही जाता हूँ। बहुत कम होता है कि बाइक या गाड़ी पे मैं जाऊँ, और कोशिश करता हूँ कि सबसे लंबा रूट लूँ, कि उससे यह होता है कि मुझे जिम में ज़्यादा जो है ना कि वार्म अप नहीं करना पड़ता है। या वॉक करते हैं मोस्टली, या ये स्प्रिंट वॉकिंग, या जो है कि ब्रिस्क वॉकिंग अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ऐसे मैं जाता हूँ ताकि, क्योंकि उससे ये होता है कि मुझे ज़्यादातर करना नहीं पड़ता, वार्म अप ज़्यादा नहीं करना पड़ता। तीन महीने की मेहनत। तो जिम से वापस आ गया हूँ, शर्ट भी जैसे भरी हुई है, थका हुआ हूँ और वॉक करता करता आ रहा हूँ। ये वो पॉइंट होता है जब मैं रिग्रेट करता हूँ कि यार मैं बाइक या गाड़ी पे क्यों नहीं आ गया। मगर ये है कि घर जाके थोड़ी देर बैठ तो फिर जो फ्रेशनेस फील होती है ना, क्योंकि लाइफ में एक्सरसाइज या फिर एक्टिव रहना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूर लाजमी है, और जो कि काउंट करती है कि आप ज़्यादा देर अगर हेल्दी रहना चाहते हो, ज़्यादा देर जीना चाहते हैं, तो ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है। तो अब मसला एक हो गया कि मुझे अभी याद आया कि एक मसला मैं लगाया नहीं, क्योंकि मैं दिन में ये तीन मसल कवर करता हूँ, चेस्ट, आर्था, चेस्ट, विंग्स और आर्म्स। तो जब चेस्ट और विंग्स तो होगी, और जब आर्म्स की बारी है तो मैंने जो ट्राई तो लगा लिया, मगर जो कि बाइसेप मेरा रह गया, क्योंकि मेरा किसी और काम थे, मेरा कॉन्सेंट्रेशन किसी और तरफ थी, तो वो ऐसी मैं बाइसेप के बगैर ऐसी कपशा में निकल आया। तो ये मेरी प्रोटिप है कि जिम में कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्कआउट, नथिंग एल्स। तो ये मेरी प्रोटिप है, और इसी नोट पे आज का ब्लॉग मैं जो कि ख़त्म करूँगा। सी यू ऑल सून एंड होप टू मीट यू ऑल अगेन। कीप वॉचिंग।